Oh,
किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है दोनों जहां के, तेरा सतगुरु तेरे ही आश्रम, दंदन सतगुरु तेरे ही आश्रम, मौज खुशी में आए के तन सारा जग तिरचा दिया, मस्ताना चुला पाए के ओ तने सुत्या देश जगा दिया, आज तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, तू ही समझताना दिया
रूहानी का ताज है, जयमल सा ने बख्श दिया रूहानियत का ताज है, तू ही सा मस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजर नाजर जिंदा राम। सच्चा खुदा है तू, स्याहो का स्याह है तू, सच्चा खुदा है तू, स्याहो का स्याह है तू, दोनों जहानों में तेरा ही तो राज है, दोनों जहानों में तेरा ही तो राज है, तू ही श्यामस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजर नाजर जिंदा राम। सावन सा ने बख्श दिया रूहानियत का ताज है, सावन सा ने बख्श दिया रूहानियत का ताज है, तू ही श्यामस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजर नाजर जिंदा राम। वो जो भी तेरे दर पे आए खाली ना वो मुड़ के जाए, जो भी तेरे दर पे आए खाली ना वो मुड़ के जाए, दास भी दर पे आया आशा करके आया, दास भी दर पे आया आशा करके आया, तेरी सोनी सूरत का हर कोई मोहताज है, तेरी सोनी सूरत का हर कोई मोहताज है, तू ही समस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजर नाजर जिंदा राम। तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, तू ही श्यामस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजर नाजर जिंदा राम। जिसने भी तुझको पुकारा, जिसने भी तुझको पुकारा उसकी बिगड़ी को संवारा, जिसने भी तुझको पुकारा उसकी बिगड़ी को संवारा, तेरा दवारा तेरा सहारा, तेरा दवारा तेरा सहारा, भगतों की किस्मत तो तेरे ही दवार है। सतगुरु जी तेरे श्यामस्ताना श्या बलोचिस्तानी जी तेरे यासरा, धन धन सतगुरु जी तेरे यासरा। जी तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, तू ही श्यामस्ताना जिंदा राम, तू ही हाजर नाजर जिंदा राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, श्यामस्ताना तेरी नौकरी, श्यामस्ताना तेरी नौकरी।
सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो शमस्ताना तेरी नौकरी शमस्ताना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी शमस्ताना तेरी नौकरी शमस्ताना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी Thank you.
हाँ जी शाह मस्ताना बलोचिस्तान जी साजे माजी सासन जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना तेरी नौकरी सबसे बड़ी अब जो फकीरों की सेवा है जो दिल से हम मानते हैं ये विश्वास की बात है। ये नहीं कि हम 10 साल के प्रेमी हैं 20 साल के या 50 साल के प्रेमी हैं। प्रेम का घर तो जब आपने दिल में मूर्त बिठा ली सच्चे पातशाह ने फरमाया है कि भाई जब पांडुओं को द्रोणाचार्य ने जंग सिखाया एक भील का लड़का भी आ गया वो बोला जी मुझे भी सिखा दो। बोला भी तो किसका लड़का है? बोले मैं भील का लड़का हूं। बोला जी छोटी कौम के लिए नहीं ये तो बादशाह के लिए है। अब उस भील के लड़के ने क्या कहा कि द्रोणाचार्य दी सूरत अपने दिल में बिठा ली। जब द्रोणाचार्य ने इम्तिहान लिया कैरव पांडुओं का इम्तिहान लिया तो वो फेल गए सारे और वो भील का लड़का पास निकलिया तो वो बाहर मुखी सी अंदर जाता नहीं सी। तो द्रोणाचार्य बोला भी गुरु को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। बोला जी लो तो उसने सज्जे हाथ का अंगूठा कट लिया के भी गूठे बगैर ये तीर नहीं चला सकता गूठे से चलाएगा ना। जो इतनी बड़ी पावर उसने नाम भी नहीं लिया कुछ भी नहीं लिया उसकी सूरत अपने दिल में बिठा ली उसने गुरु बना लिया और वो हासिल कर ली दौलत। जब हम अपने गुरु से दूर फिरते हैं बातों बातों से मानते हैं नाम से मानते हैं कि हम प्रेमी हैं हम सत्संगी हैं पर दिल से उसको नहीं मानते तो वो जैसा आया जैसा ना आया चाहे उसने नाम लिया या ना लिया कोई फर्क नहीं उससे नुगरा अच्छा। क्यों अच्छा है? कि नुगरे के अंदर डर है। बेपरवाह बेगू में तीन आदमी थे वो शराबी कबाबी सी मन्ने हुए एक का लंबरदार था लड़का सी गरबीत और एक वैसे लोहरा लोहरा बोलते उसनो जिमीदार से तकड़ा एक डॉक्टर से दिलबाग। तो गोविंद महात्मा जी ऐसे पानी लेने गए तो वो न्यू बागा बिजती जा रहा है। मैं पूछा लोहरा अरे तू बागा बिजती जा रहा है इधर कोई तेरा खेत है? बोले नहीं जी। फिर बोले जी शहनशाह लानता मार दे और ना जानिए फकीर का बचन निकल जैसे मारे जाइए। वो बात असी जाके बेपरवाह नु करते। बेपरवाह ने फरमाया पुत्र जे हमारे पड़ोसी है इनसे प्यार कर। वो खुशी ले गया। एक दूसरा खाजे खेड़े दा लंबरदास सी वो रोज एक ड्रमी दूध ले आया करे शहनशाह उसको कुटा के निकाल दिया करे। कई दिन गुजर गए पता नहीं 20 के 15 दिन गुजर गए तो एक दिन वो कहने लगा भी मेरी शहनशाह से बात करवा दो जो कहेंगे मैं मान लूंगा। तो ज्ञान बोलिया के भी तू जा नहीं तो बाबा साढ़े तलठ मारूंगा अब गुरु गुरु पता ही है। बोले तू जा शहनशाह बेड़ी आज दरबार च खड़ी है कटीन दे के ओदे थले बोरी बिछा के बैठे। जो असि गए तो बोले भी क्या लेना है? मैं कह जी लंबरदार आया खाते खड़े बोले मार लठ फिर क्या मतलब आने का? मैं थोड़ा चिर रुक के मैं हौली कितने बोलिया मैं कह जी वो एक अर्ज करनी चाहते। बोले क्या भाई? मैं कह जी वो कहता है मेरी बात करवा दो जो हुक्म देंगे मैं मानूंगा। बोले ले आ गया असि उन्होंने कहा भाई तू अपना दूध तो रख दे और तू अकेला आ जा। जब वो दो पौंडे दूर रह गया
तो उसने अपने कमीज के कपड़े ऐसे पकड़ा और चौड़ी कर दी शहनशाह दे के, बोलिया जी मैं गुनाही हूँ मुझे बख्श दो। तो शहनशाह ने फरमाया जा पुत्र तेरे को बख्शे। वो ताकत किसको देखती है? प्यार को देखती है, प्रेम को देखती है। ना वो अमीर को देखती है, ना गरीब को देखती है, ना बड़े को देखती है, ना छोटे, वो तो एक प्यार को देखती है। हमारे अंदर प्यार होगा तो उसकी नौकरी इतनी कीमती है जो हम लोहे से भी सोना बन जाते हैं। अब पारस देखा तो किसी ने नहीं, पर सुनने में आया कि पारस एक पत्थर होता है जो लोहे से लगता और सोना बन जाता है। हम संतों से प्यार करेंगे तो एक दिन पत्थर से वो लोहे से सोना बन जाएंगे, मगर हमारे अंदर प्रेम और प्यार होना चाहिए। वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। बस हाँ बोल। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा दाता शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। कौड़ियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं शमस्ताना जी तेरे दर उते आ गया। कौड़ियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे दर उते आ गया। धन धन सतगुरु बोल दियां ने मन मेरे दियां तारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। जिंदा राम बोल दियां ने मन मेरे दियां तारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। अनिल कित्थे है? उधर आ जा बाजे को। हाँ बोल भाई बोल। मैक देव ले लो। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सच्चा सदा धाम।
जंगल में मंगल तू करे मेरे परम संतों के न्यारे राम। ओ गणहारे की बेनती सुनो गरीब विद्वान, जे मैं पूतिक पूतिहा मेरे और पिता को दरियाए फकीर नुकानू चिड़क दाए पलियों खैर नहीं जे तू पान जोगा। ओ मोहम्मद बुटिया तू बड़िया तिलक बदिया जितने किया नहीं कमान जोगा। तेरा जन्मे अमोलक हीरा तेरा जन्मे अमोलक हीरा के बार बार नहीं लपना बंदिया के बार बार नहीं लपना। तेरा जन्मे अमोलक हीरा तेरा जन्मे अमोलक हीरा के बार बार नहीं लपना बंदिया के बार बार नहीं लपना। कदे सीता ने तू सोच का ख्याल जरा सोच कद कीता नी ख्याल होए आया हथ तेरे अमोलड़ा लाल होए आया हथ तेरे अमोलड़ा लाल होए मारे वक्ती नाए गुजारे होए मारे वक्ती नाए सुनू गुजारे होए के बार बार नहीं लपना बंदिया के बार बार नहीं लपना। तेरा जन्मे अमोलक हीरा तेरा जन्मे अमोलक हीरा के बार बार नहीं लपना बंदिया के बार बार नहीं लपना। तने जोबन ते हुसन जवानी तने जोबन ते हुसन जवानी तेरे थोड़िया दिना दी जिंदगानी तेरे थोड़िया दिना दी जिंदगानी करी जा कोई असल निशानी करी जा कोई असल निशानी के बार बार नहीं लभना बंदिया के बार बार नहीं लभना। तेरा जन्मे अमोलक हीरा तेरा जन्मे अमोलक हीरा के बार बार नहीं लभना बंदिया के बार बार नहीं लभना। जरा सोच का तू प्यारे दिल जानी जरा सोच का तू प्यारे दिल जानी होका मार दिए ताके तिरुहानी होका मार दिए ताके तिरुहानी सच्चे कह गए
गई मोरी मस्तानी सच्ची कह गई मोरी मस्तानी के बार बार नहीं हो लगना बंदे आके बार बार नहीं हो लगना तेरा धन में अमोल के हीरा तेरा धन में अमोल के हीरा के बार बार नहीं हो लगना बंदे आके बार बार नहीं हो लगना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हाँ नील कौर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम दास मलूका कह गए और सबके दाता जी कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है और खोतना बारंबार जू बन पल पाके होए गिरे और भोर न लागे जी प्रेम मिलावे रगत कोरी प्रेम मिलावे राम प्रेम किए गत और ही और जा पहुंचे हर धाम प्रेम लगो हर तीर प्रेम लगो हर तीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर प्रेम लगो हर तीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर प्रेम लगो हर तीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर प्रेम लगो हर तीर सिमर असी बैठ गए दो घंटे बैठ गए घंटा पहली गल तो बैठ जाएगी
अगर बैठ गए घंटा बैठ गए दो घंटे बैठ गए मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता फिरता है। सिमरन 24 घंटे जैसे कड़ी चलती है टक टक चलती रहती है ऐसे इसका चलता ही रहे। फिर इसके अंदर की चीज होनी चाहिए है निम्रता प्यार प्रेम। जिस तरह एक बेरी है अगर बेरी की डाणी नाल तुसी उतना वजन बन दोगे वो टूट जूगी नहीं रहेंगे। लेकिन की है कि बेर लगते हैं और जितनी लचक बेरां दे वजन बढ़ता है उतनी लचक बेरी की डाणी च आ जाती है और धीरे धीरे वो जमीन नाल लग जाती है। वैसे अगर वजन बन दो टूट जाएगी नहीं रहेगी। इसे तरह परम संत कहते हैं पुत्र तू दिन रात मालिक दे प्यार विच साध संगत दा सेवादार बन के रह एक दिन तेरा मालक तेरे नाल बसल हो जाएगा तेन तेरा सतगुर मिल जाएगा ये पक्का वादा है। पर ये लचक पाउंदा ही नहीं। लचक पाएगा तो इसकी बात बनेगी। एक आदमी अब साडा की है जेड़े से सिमरन करके भाई करो बैठ के पहली बात है कि संतान दे लक्ष्य दे विच की चीज है सब तो बड़ी ब्रह्मचार्य सब तो बड़ी। अगर वो नहीं तो सारी उम्र की मेहनत गई खत्म हो गई। वो इनू जरूरी है वो ये करता नहीं। अब बैठा रहे एक आदमी बेपरवाह ने साडे कोल भेजता कुके वाली तो वो मजहबी बरादरी चो सी मेरा मन उस तो नफरत करे। दो चार दिन गुजरे मैं मन को कहा भी सजना फैसला दे दे जे तो तू इसकी सेवा करे तो मैं रखता नहीं मैं शहनशाह अगे जाके अर्ज कर दे। दो घंटे बाद मन ने कहा भी ठीक है मैं करूँगा असं उसके कपड़े भी धोया करिए उन्हें बैठे नू रोटी पानी सब चीजें बराती बना के रखे और वो 24 घंटे पलाथी मार के बैठा रहा करे बोरी पे नीचे उसके सुराख पै गए थे मास गल के। तो एक दिन सुबह सुबह से चाह लेके गए रो पिया मैं क्या भी क्यों रोया तेन की तकलीफ है बता कोई रोटी दी पानी दी कपड़े दी किसी चीज दी। बोलिया जी नहीं जो मैं इतने साल बादशाह करी है जिंदगी भर नहीं करी मगर मेरे बच्चे याद हो गए। बोलो जब साल भर चो तो बच्चों का ख्याल ही नहीं लुटा मास गल गया फिर भी मन नहीं बदलिया तो किधर सिमरन करोगे बताओ। सिमरन है जेड़ा तुरदे फिर हर वक्त तुम अपने मुर्शिद तो याद रखो डरते रहो। बेपरवाह शाम के टाइम 4 बाहर आए तो ठंडा सांह भरिया मैं थोड़ी दूर सी नेड़े आ गया मैं कह जी तुम दो जानते मालक ठंडा सांह क्यों भरिया। शहनशाह ने फरमाया अरे श्रावण शाह दाता किसी का गुलाम तो नहीं। मैं कहा जी नहीं तो उससे डरना चाहिए वो पता नहीं कब बदल जाए। तुम भी अपनी कक्ष में बिस्तर रखा करो अपने सतगुरु से डरो। अरे जब सतगुरु का डर ही नहीं तो किसका भजन करेंगे बताओ। सतगुरु का डर है तो वो इसको नेक पाक रखेगा इसको पलीत नहीं होने देगा। अब वो इसके अंदर प्रेम प्यार बैठे फिर इधर सतगुरु आवे फिर वो सतगुरु राजी होवे फिर इसकी बात बने। उन्हें करता नहीं सारे काम दुनिया ने करता है मुश्किल मुश्किलों ने करता है बड़ी मुसीबतों से करता है फांसी तक चढ़ जाता है मगर सतगुरु वाला नहीं करता। सतगुरु कहे तो यदि बात मान जाए फिर यदि बात बनती है नीवा होवे प्रेम साध संगत नाल करे साध संगत की सेवा करे बाकी तो सारी दुनिया को पता है ज्ञान देने की जरूरत नहीं कि भाई ये पराया काम है जो असि बाल बच्चों का करते हैं संसार का करते हैं पराया काम है साडा नहीं है। साडा काम की है साध संगत की सेवा तो सेवन दो ही चीजा बाकी साडा नहीं है। ये चीज साढ़े नाल जाऊगी अगर ये नहीं है तो सारा पराया खोता बना रहा सारी जिंदगी बना रहो की फर्क पड़ रहा है। कच्चिया ले जाता पक्या ले आ कच्चिया ले जाता पक्या ले आ सारी उम्र गीत जाती है साड़ी भी बीतगी की फर्क पैदा कोते तो साढ़े की फर्क रह गया कोई फर्क नहीं।
लगो हर तीर, प्रेम लगो हर तीर मेरे मन, प्रेम लगो हर तीर, प्रेम लगो हर तीर मेरे। मेरे घर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, वही तो मेरा मीर, वही तो मेरा मीर मेरे मन, प्रेम लगो हर तीर। हाँ फिर बोली, मेरे घर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे घर प्रीतम की कोई बात सुनावे, वही तो मेरा मीर, वही तो मेरा मीर मेरे मन, प्रेम लगो हर तीर, प्रेम लगो हर तीर। बेपरवाह ने 12 साल सानू सिख्या दित्ती, पढ़ाए जिवें मास्टर पढ़ाउंदा, 12 साल पढ़ाए कि पुत्र की करो, बिना गुरु तो तुसीं बात भी दूसरी ना सुनो। अगर कोई थोड़े मुर्शिद दी बात सुनाउंदा है तो उहदे नाल बात करो, नहीं तां दूर दी टप जाओ। अब 12 साल की शिक्षा एडे खुदा ने दी, साडे अंदर नहीं बड़ी, अब दूसरी तेरी मेरी की बढ़ेगी। एक बारी बेपरवाह प्रसाद देंदे सी, जिसनू ख्याल हुंदा उसनू दे देंदे, कोई जरूरी नहीं सब नू देना। तो एक बारी बेपरवाह ने बाटे नाल संगत नू प्रसाद दिता, हरनाम ते सी मिट्टी ढोंदे सी, तो बेपरवाह ने दूरों दड़क मारी है कि बाता क्यों करते हो, आ बातां बिल्कुल ऐसी करते सी। जब शहनशाह नेड़े आ गए तो हरनाम बोलिया कि जी प्रसाद सानू तां दिओ बाबू, ले क्यों देइए, तुम बातां करते सी। मैं कहा जी बातां तां नहीं करते, बोले तुम्हारे होटल दे सी। अब सारी संगत नूं प्रसाद दिता, सानू दो जने नहीं दिता कि तुसीं बातां क्यों करते सी। अब असीं सारा दिन पराईयां ही बातां करते हाँ, तो सतगुर किवें राजी होगा बताओ। सतगुर राजी तां होगा, सतगुर दा कानून मनो, सतगुर तो डरो, तुरदे फिरदे भी फरियाद करो कि ऐ मालक मैं गुनाही हां, तू बख्शन आ रहा, मेरे ते दया कर दे, कृपा कर दे, मैनू तू बख्शन। फिर इह दी सतगुर दे नाल प्रीत, बेपरवाह ने फैसला दिता है भी हमारी गारंटी है अगर ना जुड़े तो। हां सतगुरु की मेरे मन, प्रेम लगो हर तीर, प्रेम लगो हर तीर मेरे मन, प्रेम लगो हर तीर, प्रेम लगो हर तीर। Thank you.
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगा चलते चलते, वो दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी। बेपरवाह छिपते चढ़ते वाला दरवाजा रात नूं राणियां तो आए तो बेपरवाह ने फरमाया कि भई अब सारा डेरा डा दिया, अकाल पुरख का हुक्म आता है मस्ताना खेड़ कर तो क्या करें। गोविंद महात्मा बोलिया कि जी दरवाजा रह गया, वह बोलो फिर देरी किस बात की। अब सुबह वो दरवाजा राते रात तोड़ता, सवेरे जेड़ा हुण गेट है सच्चे सौदे का उधर पड़ता सी वो गराता, जिते सतनाम सिंह गुफा बना के दी उस जगह ते एक बेरी सी, पांच किस्म के बेर लगते सी, एक बेरी के पांच किस्म तो बेपरवाह बेरी थले बैठे। सेठ नंद लाल पहले जाता सी दो कोड़ियां की बग्घी ते, फिर जो पक्का रोड बन गया कार ते जाण लगे, सामने शहनशाह बैठे, बोलिया भी आज बाबा जी बैठे है चलो दर्शन कर चलिए। गए शहनशाह ने पल्ली बिछवाती, नियामित रूम बोले गए कोई प्रसाद है तो ले आ, उस सेब कट के ले आया चार जना ने दिता। तो शहनशाह ने फरमाया भी उस घर के
सात पीढ़ी हो गई सी लेकिन कोई बच्चा नहीं होया। तो शहनशाह ने फरमाया कि सेठ तू पहली बार सच्चे सौदे में आया है, तेरे को कुछ मिलना चाहिए। बोला जी दो। तो शहनशाह ने फरमाया तू 20,000 की जलेबी और संगत को खिला दे, तेरे को लड़का देते। बोला जी लड़का तो नहीं, मेरे को तो भोलपुर की रियासत चाहिए। तो शहनशाह ने फरमाया वो तो पाकिस्तान में रहेगी, तेरे वो कैसे मिलेगी। हाँ लड़का चाहिए तो बात कर। चलो ना मना शहनशाह ले जा तेरा नसीब। आठवें दिन अपना रवाना हो गया, बिगल बाज गया, बिगल बाज गया, रुका खड़केगा, चलो चलिए हो रही बटे हुई सांझ तड़के। अब आठवें दिन जी रवाना हो गया तो खेमचंद जाके बोले आगे जी सेठ चोड़ा सड़ गया। शहनशाह बोले उसे पूछो भोलपुर की रास्ते कहाँ गई। ऐसे नहीं पूछा कि मस्ताना मेरी जर्मन की फाई मकाओ, तो ये किसी की बनती नहीं, ये तो संतों ने तय ठुकराई है। कबीर साहब ने इसे नाक काट दिया, कान काट दिए, पीछे से बाल काट दिए। बोले नाकों काटी, कानों काटी, काट काट के डारी, संतों की जे बैरन भाई, तीन लोग की प्यारी, ये किसी की बनती ही नहीं, ये तो आई और गई। इसका तो एक सतगुरु बनता है और कोई बनता ही नहीं सवाय सतगुरु से। जो लेखे लागी वो सतगुरु दे लेखे वाली का है, सफल है नहीं तो नहीं। महाराज जी ने फरमाया भी कोई आदमी शाहूकार से वो सेवा करता, तो एक साधु जिस घर भी जाता वो पहले दयापित कर लेता, पूछ लेता कि भाई यहाँ कोई गांव में हकलाल की रोटी खाने वाला है। उसने पूछा बोले जी सेठ है। तो वो साधु बोले अभी उसके कितने लड़के हैं। बोले जी चार। तो पैसा कितना क्या। बोले जी है 2,00,000। अब महात्मा गया जाके पूछता बोले जी तेरे कितने लड़के हैं। बोले जी एक। बोले पैसा कितना है। बोले जी 50,000। साधु उठ के टूट चले। बोले तू तो मेरी झूठ दी पंड है, क्या मैं तेरे लड़के ले जाना सी या पैसा ले जाना सी। वो शाहूकार बोला महात्मा मेरी बात सुन ला, एक लड़का मेरा परमार्थ में जाना है वो मेरा है, बाकी मेरे कर्ज खान शराबी कबाबी वो मेरे नहीं है। और 50,000 रुपया मैं सात संगत में लगा दिया वो मेरा है, बाकी पता नहीं चोरा ने खाना के सादा नहीं खाना है, अब तेरी मर्जी है तो खाना खा नहीं तो ना। ये तो परम संत ने तभी ठुकराई है भी इसमें गुण कोई नहीं, गुण प्यारे ये तुम्हारा अंदर खाओगे तो कड़ा कर देगी, पहनोगे तो तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी। अगर तुम अपना हक लाल दा लकमा खाओगे तो तुम्हारा फैसला होगा, नहीं तो पराये माल से नहीं होता। डाबड़ियाला चौधरी सानू मंग के लै गया रोहतक, ओदी लड़की ब्याही से। 3 दिन असी कोई चीज नहीं खाधी, 8 पैरा तक चाह का कप पीता। बेपरवाह ने मैंने बुला लिया सच्चे सौदे। तो बोले भाई हम तू जाके गुफा में रंग रोगन करना, हम परसों आएंगे फिर तेरा फैसला करेंगे। 3रे दिन बेपरवाह आए मैं तंग सतगुरु बुराई। तो बोले कैसे। मैं कह जी बुखार होगा। बोले हाँ बड़ा रोहतक का दाना पानी खाया तेरी डूई फाड़ेगा। 20 दिन बुखार चढ़ा, मलोड दे डॉक्टर ने हथ खड़े करते, प्राइवेट ना सरकारी, बोले हमारे पास की बात नहीं है। अरे एक चाह दे कप के बदले 20 दिन सजा मिली, असी अगले में माल खावांगे तो सजा किवें नहीं मिलेगी। चाहे कोई गृहस्थी है चाहे कोई बिरकती है, सब नु बराबर सौदा है। अपनी हक लाल का लुकमा खाओ, मालक दे गुण गाओ, ताता अपना शाह मस्ताना बलोचिस्तानी साथी बनेगा सजनों, नहीं तो कोई साथी नहीं बनता। सजा देगा एंड डट के देगा जमा। जेड़ा बेपरवाह ने फरमाया ना तुम्हारी उबदी खान लगती जाएगी, बिल्कुल लथेगी। शहनशाह कोई आदमी आना कि हमारे को तो भाई एक ही आता है कि बकरी वांग छिले जाओगे और बाकी बात करनी है तो मैनेजर से कर लो, हमारे खुद कुछ आता नहीं। और गुरु कहता है चाह चक्की भाई बदाम, एक बदाम चाह च पाया दूध तो कोनी सी। तो मैनेजर साहब के आखे नहीं लगे। शहनशाह बोले मैनेजर अब तेरे आखे नहीं लगते जो बदामों वाली चाय पीते हैं। एक बदाम ऐसा मौला मिलना है कि क्या कहने की बात सी। हाँ बोल बैठी।
हाँ जी पहले बाबा जी दूध बेगू तो मंगा दे से नाने को बाउल लेके आया हां बाबा जी बिना चाहते नाते तो बाहर आ अच्छा चलो कोई नहीं अच्छा अच्छा दूध ले आया तो बाबा जी बोला नाने फुट जाया तो के आज ही जाया तो थोड़ा मिले अच्छा तू बोला हां इधर साधु आते तोड़ी चाय उबली से उबली जाते बजा के पानी अच्छा आ ले लो उबल रहा सी हां फिर बाबा जी की बोले के पुटरी के अंधबारी में बादाम की गुड़ी पड़ी है अच्छा बादाम की गुड़ी एक गुड़ी अच्छा वो ल्याई कुट के पाए तो की रंग बदलना से वो पी के चलो साधु बाबा जी थे मैनेजर अब ये तेरी बात नहीं मनेगी बादाम जो खाते 14 दिन मेड़े दे दे के मार देते 14 दिन बाबे ने रामलीला ही रखी जिथे मिले मने साहब मैनेजर अब तेरी बात नहीं मनेगी वाह भाई वाह वाह मैनेजर साहब जी तो तौबा फरिश्ते डरते होंगे बिल्कुल डरते तौबा तौबा धन धन सतगुरु तेरे हाँ बोलो जी मैं क्या करूँ वाह भाई वाह सासी रुक जाएगी चलते चलते सासी रुक जाएगी चलते चलते क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते हम निकल जाएगा रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का वो साथी देती नहीं ये किसी का साथी देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का सतगुरु तेरे आसरा जो संगते खड़ी से हाथ जोड़ के बेनती को अपने जगह बैठ जाए सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओ अविनाशी पुरख है और सब में रखा समाए अपने सेवक की आपे राख अपने सेवक की आपे राख अपने सेवक की आपे राख आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राख अपने सेवक की आपे राख आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे अपने सेवक की
को निकटी होए दिखावे जो जो कैटा कर पैसे वक जो जो कैटा कर पैसे वक तत्काल होए आवे तत्काल होए आवे अपने राख है अपने सेवक की
आपे राखे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे राखे धन धन सतगुरु शाह मस्ताना बलोचिस्तान तेरा आसरा साडे हिंदुस्तान दे विच गीता दी आम पूजा होती है और श्रेष्ठ ग्रंथ मनते हैं। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤੇ ਧਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਿਲ ਕਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਇੱਕ ਵਿਕਰਮ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਕਰ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਬੂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਏ, ਰੋਏ ਹਨ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੋਏ, ਦਰੋਣਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਰੋਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਰਮਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕੀਆ ਗੁਰੂ ਧਰਮਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਰਮ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਤ ਮਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਨੂੰ
ग्यारह बारह खरब साल हो गए थे, ग्यारह बारह खरब साल। खरब का तो सारे समझते ही हो, हुण तुसीं सोच लो खरब सालां विच कितनी वेरी इस विच असीं उग चुके आ, कितनी वेरी जन्म धार चुके आ, कितने प्यो और बच्चे बन चुके आ। एक तो भूल ए, पहली भूल तो ये जिहड़ी साडी भूल निकलदी सिखती, जे संत कढ़दा है तो उस ते विश्वास नहीं है। बारह खरब साल के बाद आम साढ़े ग्रिश्ती कहते ने आप मरिया जग परले होए, कह देंगे ना कह दें आप मर गया साढ़े बाबा दुनिया मर गई। एक बोले फिर पैंदी है जल परलै, सारी धरती जल च खुर जाती है, जल परलै। जल पैगी फिर उन्नी साल ग्यारह बारह खरब साल पानी बनी रहती है, असी पानी दे विच जीव गोते खाते रहते हैं, कदी मछ कदी मछियां कदी कछ कदी सप कदी सरहाल कदी खौर की जो जो किड़े दाव आते हैं, अपन जलते जीव बने रहते हैं। खरबान साल साड़ी उम्र उत्थे टप जाती है, उत्थे टप जाती है। ये खरब साल पूरे हो जाते ने, बारह खरब साल, फिर पैंदी है पवन, पवन पर लो सारी उसनु सुखा के लै जाती है। ये हवा दे कीटाणु मच्छर बने रहते ने, हवा पानी नु सुखा के लै जाती है। फिर परले पैंदी है महापरले, उहदे विच ब्रह्मा विष्णु शिव इन्हां दे भी मकान गिर जांदे ने, सिर्फ एक ओम रह जांदा है जिसनूं आप अपने हिंदू लोग कहिंदे ने ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। वो फिर दोबारे रचना बनाता है, फिर चौरासी पैंदी है, इहदा चारा चौरासियां नूं, ये चौरासी नहीं चार चौरासियां रलदियां ने, इस नूं कहिंदे ने कोट कलप। इन्हां चारा चौरासियां दा जोर लाओ तो कोट कलप, कोट कलप युग भी हुंदा है। इतनी असीं उलझण च व्यो चक्कर च फस के साडी छाती उत्ते सप बैठा है, असीं मजे च सुते पए हां। फिर असीं कहदे सियाणे हां, सुनाना भी कोट कलब युग बहुत भयंकर चक्कर है। Thank you.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਟ ਕਲਪ ਜੁਗ ਚਾਰ ਗਏ ਨਾਕ ਮੇ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਅਬ ਤੋ ਮਰਤੇ ਮਰਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਟ ਕਲਪ ਜੁਗ ਚਾਰ ਗਏ ਨਾਕ ਮੇ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਅਬ ਤੋ ਮਰਤੇ ਮਰਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾਕ ਮੇ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਅਬ ਤੋ ਮਰਤੇ ਮਰਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪੜੇ ਪੇਟ ਮੇ ਏਕ ਪੇਟ ਦਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈ ਹੈ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਕਾਰ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਪਾਸੇ ਬੁੱਚਰ ਖਾਨੇ ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਕਾਰ ਜਨਮ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਰਦ ਲੋਕ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਕੋਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪੜੇ ਪੇਟ ਮੇ ਏਕ ਪੇਟ ਦਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪੜੇ ਪੇਟ ਮੇ ਏਕ ਪੇਟ ਦਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਕਿਤਨੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਹਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਹਮਾਰੇ ਮਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਹੋਏ ਸੰਤਾਨ ਹਮਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਡ ਮਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸੇ ਸੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਨਾਕ ਮੈਂ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਬਤੋ ਮਰਤੇ ਮਰਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾਕ ਮੈਂ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਬਤੋ ਮਰਤੇ ਮਰਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਟ ਕਲਪ ਜੁਗ ਚਾਰ ਗਏ ਨਾਕ ਮੈਂ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਬਤੋ ਮਰਤੇ ਮਰਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾਕ ਮੈਂ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਬਤੋ ਮਰਤੇ ਮਰਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਕਭੀ ਅੰਡੇ ਕੇ ਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਭੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਸੀਨੇ ਸੇ ਕਭੀ ਅੰਡੇ ਕੇ ਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਭੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਸੀਨੇ ਸੇ ਚਾਰ ਖੂਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇਰੀ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਇੱਕ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਹਨ ਬਣਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿੱਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਸੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੈ
कभी कभी लिपटे रहे जेर में, कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे कभी पैदा हुए पसीने से, कभी अंडे के माँ बंद रहे कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जले अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से, ये कर्म खत्म ना होते हैं बस मौत भली इस जीने से, ये कर्म खत्म नहीं होते हैं बस मौत भली इस जीने से, ना तू मेरा ना मैं तेरा, ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल मिट्टी में प्यार गए नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। हुण सोच लो तुसी, ना मेरा ना तेरा, ये जेड़ा साड़ा प्यार है ना, ये मिट्टी च मिल जाए, ना अज असी उन्हां दे होवांगे ना कल साडे होणगे, कुछ भी नहीं हाथ मारदे, कुछ भी नहीं मिलना। ना तू मेरा ना मैं तेरा, ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल मिट्टी में प्यार गए नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, लाख चौरासी खत्म हुई ना, लाख चौरासी खत्म हुई ना, कोट कलब जुग चार गए नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोगलिया, कभी बादशाह वजीर बने कभी सोगी बन के सोगलिया, कभी सुख दुख कभी ऐशो इशरत, कभी सुख दुख कभी ऐशो इशरत, रोगी बन के रोगलिया, हम आए थे भोग भोगने हमें ही भोगों ने भोग लिया, हम आए थे भोग भोगने हमें ही भोगों ने भोग लिया, चौरासी के फेरे में हो, चौरासी के फेरे में कभी आ रहे कभी पार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, लाख चौरासी खत्म हुई ना, लाख चौरासी खत्म हुई ना, कोट कलप जुग चार गए नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए, नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। दस में ये
मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार यस यप यस में ये मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार इस यस यप मान बड़ाई ओ ईर्षा मान बड़ाई ओ ईर्षा करनी चाही थी बस में ये हुई नहीं हमारे बस में हम ही होते इनके बस में इस दुनिया में बड़े बड़े आकर इस दुनिया में बड़े बड़े आकर लंबे पैर पसार गए आँख में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए आँख में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए ना तुम्हें तुम्हें आ गया अब तो मरते मरते धन धन सतगुरु तेरा आसरा मस्ताना जी भी पहले शॉर्ट लफ्जा च सुनाया करते थे कोटन जो ऊपर ले भाई हम ही कर गुरदयाल जी को पता है मस्ताना जी सुनाते होते सन इतने होर भी ग्रंथ साखी दी है कोटन जो ऊपर ले बैंदी आई पर आज तू ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਨਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਸਰਾਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕੰਨ ਚ ਗੱਲ ਵੜੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਪਨ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਔਰ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੋਡੇ ਐਂਡ ਐਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਖੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਖੁਲਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਵਿਹਲੀ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਬਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਸਦਾ ਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਲਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੜਾਏ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ 'ਚ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾੜ ਸੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੀਵ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਉਸਤੇ ਕੇਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਜਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਈ? ਸੋਚ ਲਓ ਜਰਾ, ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ? ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਰਕ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਭੁਕਾ ਕੇ, ਦੋਜਕ ਸੁਰਗ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ 84 ਅਪ੍ਰੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਉਸਦਾ ਮੁਕਰਰਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰਗ ਜਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਡ ਬੀਤੇ ਹਾਲ ਦੱਸੇ। ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਖਬਰ
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿ ਬੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਓਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪੇਚਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਗੰਢ ਰੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਰ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਦੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਦੀ ਚਲੋ ਬਸ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਬੋਲ ਲਵੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਨਾਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਠ ਪੈਰ ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਰੋਏ, ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ।
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹੇ, ਚੋਲੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹੇ, ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਂਟਵੀਂ ਹੂਰ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਲੈਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੂਰ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੂਰ ਤੋਂ ਹੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੂਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੱਚੜ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜਾਸਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਮਸਤਾਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਬੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੈਬੀ ਜਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। पुरातन गल सुणांदा और इस टाइम नाल मिलती जुलती सुणांदा। विश्वामित्र किते जंगल च गया सी, उहदे नाल 10 घोड़ा सी। विशेष की कुटिया को टपया तो उन्हें रोक लिया, कहता महाराज जी लंगर खा के जाओ, मेरे नाल 10,000 घोड़ा है, तेरे को सेवादार नहीं है, असि कले आ जावे। कहीं नहीं, हूं लंगर खाओ। लंगर खाओ, उन्हें जिद की गुस्सा आ गया, कहता खुआ यार, खुआ यार लंगर। उन्हें कामदेव ने इशारा किया, अजे 3 मिनट तो लगे ही नहीं होने, छानड़ियां वगैरह लग गई, वंडन वाले आ गए, दरिया भांडे वगैरह वंडे गए। हुण बादशाह चक्कर च पै गया, बादशाह चक्कर च पै गया, बड़े प्यार नाल लंगर खुआया। जदों उन्हें तोड़ लग्या ना, तो रस्ते च एक झुग्गी सी, उहदे च कामदेव गाय बन्नी हुई सी। कहिंदा इह की, कहिंदा इसे ते सारा परताप है, इसे ते परताप नाल इह सारा लंगर खुआया है। इहदे च इह गुण है कि जो पदार्थ मंगो वह दे दिंदी है। हुण किते सवाल आया चल अगन राजा इनकी उल्टी रीत, पर शराम दत्ते दी थोड़ी पाले प्रीत। किथे उहदे विचारे ने सेवा कीती सी, किथे वैर पा के खलो गया। उल्टी रीत होई ना, राजा अगन यानी इनकी उल्टी रीत, पर शराम डरते रहियो थोड़ी पाले प्रीत। अच्छा, झगड़ा पै गया, वो खोड़ लग्या, कहता हाथी ले लै, घोड़े ले लै, 10,000 घोड़ा ले लै, 20,000 ले लै, 10,000। वो कहता भोलिया मैं घोड़िया का करागा की, घोड़िया की मैं हाथियों की लिप चकनी है। वो कहता नहीं तो गां मैनू दे दे, मेरे दरबार की शोभा रहेगी। उतों जबतगण का वैर पै गया, उहदा लड़का सी परसराम,
ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਖਵਾਓ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਥੱਕੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅੱਕੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਵਾਓ। ਔਰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਕੋ ਅਨੁਦਾਨ ਲੈਣੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਤਰਨੇ ਕੋ ਦੀਪਤਾ ਡੂਬਣ ਕੋ ਅਭਿਮਾਨ। ਅਭਿਮਾਨੀ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਜੀ ਬੈਠੋ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਹਿਨਸ਼ਾਹੋਂ ਕੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਤਬੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅਧਨੇ ਤੋਂ ਅਧਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ। ਰੁਤਬੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅਧਨੇ ਤੋਂ ਅਧਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ। ਤਖ਼ਤ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਬੋਕਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਦਰ ਕਲਾਸ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਮਦਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਮੌਜ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਸਤਾਨੀ ਮੌਜ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਸਤਾਨੀ ਮੌਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਨਾਰਾ ਐਸਾ ਲਾਓ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मासू, दो नैनन मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आसू। जो मैं जानती प्रीत करे तो भोय, नगर नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को, प्रीत करे सो पावरा कर छोड़े सो क्रूर, या तो प्रीत निभाइयो या प्रीत से रहियो दूर। इश्क दे महकमे मह गया अगों इश्क ने मेरी दनाई ठग लई, मैं गया सी एक दिन इश्क तो दाद लेने अगो इश्क ने मेरी बड़ियाई ठग लई, ए इश्क ने बड़े बड़े बादशाह ठग लए, कैरू बादशाह दी बादशाही ठग लई, वे तै की ठगया आशिक जारा ए इश्क ने खुदा दी खुदाई ठग लई। ओ तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है,
चलता है तेरे नाम की मदीरा हर जाम चलता है तेरी रहमतों का दरिया सरयाम चलता है यतीमों को पैगंबर कर दे रहे बंदगी से जो दूर उसे बंदा नहीं कहते करे बंदों से जो परहेज उसे मौला नहीं कहते सच तो यह है कि तालबा मतलूब में पर्दा नहीं होता मस्ताना तो सजदा नहीं होता ये शमस्तान तै बटके ने के मन मिली कोई सौगात नहीं मैं तो
Oh,